नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हीटिंग प्लेट के कनेक्शन और टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन करके दिखाएंगे, साथ में ये RTD भी जोड़ेंगे। ये हमारी हीटिंग प्लेट खराब हो गई है तो हम इसके फुल कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। यह अभी हमारी बिल्कुल एकदम डेड है तो हम इसको चलाएंगे, टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन करेंगे, RTD के कनेक्शन करेंगे, हीटर भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं, टोटल इसकी फुल डिटेल आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी RTD है, इसी के हम कनेक्शन करेंगे। ये RTD इधर से टेम्परेचर को रीड करती है और यहाँ कंट्रोलर में इसको शो करती है कि मेरा हॉट प्लेट का इतना टेम्परेचर हो गया है। ये हमारे सामने इंडिकेटर लगे हैं, लोड इंडिकेटर, मेंस इंडिकेटर और मेंस स्विच। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया है, अब ये इसके कनेक्शन देख लीजिए। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, कंट्रोलर के ऊपर ही कनेक्शन बने हुए होते हैं। यदि किसी को नहीं पता, आप इसके कनेक्शन कई तरीके से जोड़ सकते हैं। ये इसमें RTD जुड़ती है, इसमें सोलिड स्टेट रिले जुड़ती है, इसमें रिले जुड़ती है। तो आपको किस तरह के कनेक्शन करने होते हैं इसमें सब लिखा हुआ आता है, इसके साथ इसका मैनुअल भी आता है। तो हम तो हर तरह के कनेक्शन कर सकते हैं, यदि आपको भी कोई कनेक्शन करना हो तो मेरे से इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये हमने एक RTD लगाई है, पहले हम इसको बाहरी चला के देखेंगे, इसकी सेटिंग बिना फिटिंग किए हुए ही हम करके देखेंगे कि हमारी हॉट प्लेट वर्क कर रही है या नहीं। ये देखिए हमने ये इसके कनेक्शन कर दिए हैं और हमारा ये सेंसर भी भारी है तो हम इसको सोल्डिंग आयरन से गर्म करेंगे, अभी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम इसको सामने से घटा बढ़ा कर भी देख लेते हैं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अभी देखिए मेरे दोनों इंडिकेटर जले हुए हैं, लोड का इंडिकेटर और मेंस का इंडिकेटर। जब मेरा देखो ये मेरा टेम्परेचर पहुँच गया तो मेरा लोड वाला इंडिकेटर बंद हो गया ये, और जैसे ही टेम्परेचर देखो ये ऑन ऑफ देखो ये सेटिंग पॉइंट है तो मेरा हीटर ऑन हो गया। अब हम इसकी प्लेट को भी देखेंगे किसके कनेक्शन कैसे हैं, हीटर प्लेट में कैसे हीटर लगाते हैं, कैसे एलिमेंट लगाते हैं, ये हम अभी आपको दिखाएंगे। और हम RTD PT100 कहाँ लगाते हैं इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। ये हॉट प्लेट बहुत अच्छी है, कंट्रोलर के साथ जुड़ी हुई है, कुछ हॉट प्लेट मेरी एनर्जी रेगुलेटर के साथ लगी हुई होती हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ आता है, और जिसमें एनर्जी रेगुलेटर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये देखिए ये मेरे दो एलिमेंट लगे हुए हैं, एलिमेंट के कनेक्शन किए हुए हैं, दोनों एलिमेंट हमने सीरीज में लगाए हुए हैं। ये वाले वायर हमारे मेंस के हैं जो कंट्रोलर से आए हुए हैं, देखिए एक ये है और ये बीच में ये हमने यहाँ से ऐसे जोड़ा है। तो ये मेरे दो एलिमेंट हैं, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा है, ये मेंस के हैं। इसके हम अभी कनेक्शन करेंगे RTD के दोबारा से, यहाँ एक होल है, यहाँ से हम इसको डाल लेंगे, डालने के बाद हम इसके यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो ये मेरे सफ़ेद वायर हैं, वाइट वाले वायर हैं, ये लगभग कॉमन होते हैं तो हमें इसको 5 और 6 पर लगाना होता है, इसको हमें रेड को 7 पर लगाना होता है। ये हमारे RTD के कनेक्शन है, इस पर सिंबल भी बना हुआ है। तो ये हम कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन करने के बाद हम सेंसर उसको वहाँ फिट करेंगे, फिट करने के बाद एक बार ओपन में चलाएंगे, फिर पूरी फिट करने के बाद हम इसको चलाएंगे। ये देख लीजिए ये यहाँ इस साइड में इसके कनेक्शन होते हैं, मेंस कहाँ देनी है, RTD कहाँ लगानी है, रिले कहाँ लगानी है, ये इसमें पूरे यहाँ साइड में कनेक्शन होते हैं।
और साथ में इसका मैनुअल भी आता है, आप वहाँ भी कनेक्शन देख सकते हैं। थोड़ी अपनी सूझबूझ से कार्य करें, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर एसी होती है, करंट ना लग जाए। तो अब हम ये सामने का इसका पैनल बंद कर देते हैं। पैनल बंद करने के बाद हम इसको अब चला के देखते हैं। फाइनल हमने ये बंद कर दिया, फाइनल हम इसको सेट कर लेते हैं। इसमें दो तीन ये स्विच हैं, एक ये साइड में दबाएंगे, एक इसमें डिक्रीज और एक इंक्रीज का, हमने पहले भी आपको बताया था। हमारी एक वीडियो है पहले भी टेम्परेचर कंट्रोलर सेट करने की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको अभी घटा रहा हूँ, फिर बढ़ाऊँगा। तो ऐसे हम इसको सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर बंद हो गया है, इंडिकेटर ऑटोमेटिक अपने आप ऑन हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। मैं चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।